जहां आपको स्मरण आए। कभी जिंदगी में एक बार प्रयोग कर जरूर देखो। कभी जिंदगी में एक बार प्रयोग कर जरूर देखो। कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्री खाने का क्या लाभ हो सकता, शिव जी को चढ़ाए गए एक लोटा जल से क्या लाभ हो सकता। अभी बीच में हमारे शरीर को कष्ट हुआ, चोट लगी, डॉक्टरों के हिसाब से महीने ज्यादा लगने थे, पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल पीना, डॉक्टर जो औषधि दिए उस औषधि को भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना और बेलपत्री का सेवन करना। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि कई महीने लगना थे और बाबा की कृपा से 20-22 दिन में बाबा ने खड़ा कर दिया। ये शिव आराधना का फल है। हम कहते हैं अपने ऊपर भी प्रयोग कर देखिए। अपने ऊपर भी शिव महापुराण की जो कथा के जो तत्व हैं, भगवान शंकर की कथा के जो उपाय हैं, भले दुनिया के लोग उसको टोटका कह दें चाहे टोना कह दें, दुनिया के लोग कुछ भी कहें, पर शिव महापुराण का एक एक उपाय आपकी जिंदगी को सार्थकता देता है। जो बच्चे शहद लगी हुई बेलपत्री को शंकर को समर्पित कर जाते हैं और खूब अच्छी मेहनत करते हैं, खूब अच्छी मेहनत, खूब अच्छी पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें और आखिरी में चाहे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो चाहे परीक्षा के लिए जा रहे हो, एक बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को समर्पित कर जाते हैं। एक बार अगर बाबा ना करा हो, दो बार ना करा हो, तो निश्चित है तो भी मेरा बाबा एक ना एक दिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचा ही देता है। बाबा एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंचा जरूर है। आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपका कर्म ये बहुत जरूरी है। शंकर भगवान ने षडानंद कार्तिकेय जी को और भगवान श्री गणेश जी महाराज को बिठाकर समझाया था कि गणेश सुनो और कार्तिकेय सुनो। दो चीजें अपनी जिंदगी में धारण कर लेना, षडानंद कार्तिकेय और गणेश, दो बातें अपनी जिंदगी में उतार लो। एक, मेहनत मत छोड़ो, कर्म मत छोड़ो, और दूसरा, बुरी संगत में मत बैठो, संगत अच्छी बैठे। और जो शंकर भगवान के शब्द थे वो शब्द आपकी जिंदगी में उतारिएगा। एक पानी की बूंद गरम तवा है, तवा बहुत गर्म है जिसपे तुम रोटी सेकते हो, कढ़ाई गर्म है, तवा गर्म है, बर्तन गर्म है, एक पानी की बूंद उस तवे पर डाल दीजिए, एक पानी की बूंद कढ़ाई में डाल दीजिए। गरम कढ़ाई में, गरम तवे पर जब पानी की बूंद गिरती है तो वो पानी की बूंद समाप्त हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है। मेरी जीजियों ने तो कई बार तवे पर, कढ़ाई पर पानी डालकर देखा होगा तो वो पानी समाप्त हो जाता है। गरम तवे पर, गरम कढ़ाई पर एक पानी की बूंद डालोगे तो पानी समाप्त हो जाएगा। वही पानी की बूंद कमल के पुष्प के ऊपर पड़ जाती है, सूर्य की रोशनी में चमकती है तो वो एक हीरे जैसी चमक पा जाती है, वो पानी की बूंद।
गरम तवे पर पड़ी, समाप्त हो गई। पानी की बूंद कमल के पुष्प पर पड़ी, फूल पर पड़ी, वो चमक गई। और वही पानी की बूंद सीप में पड़ी तो मोती बन गई। वही पानी की बूंद सीप के अंदर गई, मोती बन गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस संगत में बैठ रहे हो। गरम तवे पर बैठोगे अर्थात किसी गलत व्यक्ति की संग में बैठोगे, किसी गलत व्यक्ति की संगति में बैठोगे तो ये निश्चित है कि वो गलत संगति वाला तुमको बिगाड़ कर रख देगा और तुम्हारी जिंदगी नाश कर देगा। पानी की बूंद गरम तवे पर पड़ी तो पानी की बूंद समाप्त हो गई। पानी की बूंद कमल के पुष्प पर पड़ी तो चमक गई अर्थात किसी अच्छे व्यक्ति का संग पाओगे तो तुम भी एक ना एक दिन चमक जरूर जाओगे। और तुम उस पानी की बूंद से समझ लें कि सीप के अंदर चली जाती है तो वो पानी की बूंद भी एक दिन मोती बन जाती है। अर्थात आपकी संगत, आपका व्यवहार, आपकी अनुकूलता, आप कहाँ बैठ रहे हैं, किस जगह पर बैठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, ये देखा जाता है। किसके साथ बैठ रहे हैं? जिसके साथ बैठ रहे हो बर्बाद तो नहीं कर रहा आपको। तीन मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा। पहले नंबर का ताली प्रशंसा करने वाला तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देगा। बहुत बढ़िया, दे दो चार और धर के दे, खूब मार अच्छे से, तेरे में इतनी दम है रे, तेरे पास खूब पैसा है, तेरे पास कमी है क्या? दो चार को अगर मार भी देगा तो तेरा पिताजी छुड़ा लाएगा। ये प्रशंसा करने वाले, ताली बजाने वाले, प्रशंसा करने वाले एक दिन तुमको खड्डे में लाकर छोड़ देंगे। ताली मित्र, थाली मित्र, होटल में खिलाने वाले एक दिन तुझे बर्बाद कर कर छोड़ देंगे। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र, एक साथ पीना वाले, जो तुम्हें पीने की भी आदत ना हो और पीने की आदत डाल दें, वो तुमको बर्बाद के सिरे पर लाकर छोड़ देंगे। ये निश्चितता है। आप किसकी जिंदगी जी रहे हो? बेटा बुझी हुई सिगरेट हाथ में ले लेता है और बाप चिल्ला कर दौड़ता है, क्यों रे सिगरेट क्यों उठाई, अटक। बेटा अगर शराब का मदिरा का गिलास हाथ में ले ले तो बाप चिल्लाता है, तू मदिरा पिएगा, अटक पटक। हमारा निवेदन है, आप अपने बच्चे को मदिरा पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चे को सिगरेट पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चे को गांजा पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चों को गलत जगह पर जाना नहीं सिखाएंगे। तो सबसे पहली प्रेरणा बाप देता है। अगर बाप गलत काम करेगा तो औलाद भी गलत काम करेगी, निश्चितता। अभी कथा में कहा, अपने घर के बच्चों को तुम जमीन देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम मकान देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम गाड़ी देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम जेवर देकर जाओगे, सब कुछ देकर जाना। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार देकर नहीं गए तो ये बच्चे जितनी जमी जमाई जमीन जायदाद गाड़ी बंगला है ना, एक दिन नशे की हालत में कहां सिग्नेचर कर कर आ जाएगा, किसको देकर आ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, कहां बर्बाद कर कर आएगा मालूम नहीं पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा में संकल्प लेकर जाया करो कि मैं संकल्प लेकर जा रहा हूं कि मैंने अभी तक भले दारू का नशा करा हो, सिगरेट का नशा करा हो, गांजे का नशा करा हो, चरस का नशा करा हो, मैंने जिंदगी में सारे नशे करे हो, पर आज शिव महापुराण की कथा से मैं प्रेरणा लेकर जाता हूं कि अपनी औलाद को अगर अच्छा बनाना है तो सबसे पहले नशा मैं छोड़ूंगा। अपनी औलाद को अगर अच्छा बनाना है तो सबसे पहले नशा मैं छोड़ूंगा, ये प्रेरणा लेकर जाओ। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा
आदत में लाने के लिए समय लगता है। जैसे कल पुलिस कर्मियों ने, ट्रैफिक पुलिस वालों ने लिखा है 21 दिन का चैलेंज, अर्थात तुम 21 दिन हेलमेट लगाओगे तो तुम्हारी आदत में आ जाएगा, 21 दिन तुम ये सीट बेल्ट बांधोगे तुम्हारी आदत में आ जाएगा, 21 दिन तुम ट्रैफिक नियम का पालन करोगे तुम्हारी आदत में आ जाएगा। अर्थात हम भी आपको कहते हैं 21 दिन तक मदिरा छोड़ कर देख, 21 दिन तक दारू छोड़ कर देख, तेरी आदत में आ जाएगा और तू भी सुधरेगा, तेरा परिवार भी सुधरेगा। अपने बच्चों को हम गलत में लेकर जा रहे हैं, अपने बच्चों को हम गलत मार्ग की ओर लेकर जा रहे हैं, आस लगाकर बैठे हैं कि मेरा बेटा मेरी सुनेगा, निवेदन है जरूर सुनेगा, अगर आप गलत संगति से परे हो गए तो। बच्चों को जमीन दो, जायदाद दो, गाड़ी दो, बंगला दो, सत्ता दो, सब कुछ दो, पर उसके साथ में उसको संस्कार भी दीजिए। बच्चों को सारी दुनिया की चीज दीजिए, पर उसके साथ में आपका पुण्य भी दीजिए।